दाल को फ्राई करना आता है, लगभग इसको 50-60% तक पका हुआ बनाना है ना गर्म तेल के ऊपर। उसके बाद हम इसको पूरा निकालने के बाद तेल के अंदर प्याज मिर्ची हरे जितना भी हम, ये क्या है? ये कुछ है खुशिया इलपिस। इलपिस तो होता है, ये देखो इसको किस तरह से पकड़ना है। देखो इसको, ये देख उंगली को ऐसा बना के इसको ऐसा पकड़ना है। अच्छा ठीक है, देख ये देखो, फिर भी देखो फिसल रहा है, फिर भी निकल जाता है, फिसल रहा है पापा। इसको खाने से खून भरता है। ईल पीस, अच्छा सांप की तरह दिखता है ये, लेकिन सांप नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फिसलने वाला जो स्किन में होता है उसको एक पत्ते से साफ करता है, जिससे वो फिसलने वाला शरीर से निकल जाता है उससे। वैसे पानी में इसको खाली हाथ से आप पकड़ नहीं सकता, बहुत फिसल जाता है। दो है, दिखाओ दिखाओ, हाँ ये बाकेट में, और एक है मैं लेके आया था उसको टाउन से खरीद के 500 रुपया किलो का हिसाब से। ये देखो अब मेरा पापा भी पकड़ रहा है उसको, पकड़ के नहीं होल्ड रुक सकता है, ये देख अपना आप निकल जाता है, ये पिसल जाता है, देखा। ओके ठीक है रख। ये पत्ते जो है राब वाला है थोड़ा सा ना, वो पिसलने वाला जो है इससे साफ करने से निकल जाता है वो पूरा। आदुम्बरा बोलते हैं हम लोग, वैसे ही हिंदी में क्या है पता नहीं हमको, ठीक है। अभी साफ करने के बाद जिसको इस तरह से काटता है वो हमारा देसी तरीका से काटने का तरीका है ये। कितना पीस निकालेगा ये? लगभग बहुत है, 5 लोग खाएंगे हम इसको। 1 किलो 25 ग्राम है ये टोटल। कितना खून होता है, जिसका शरीर में खून कम होता है वो ईल मछली, ये है ना एक मगरमच्छ होता है जो देसी वाला, उसको खा सकते हैं आप। जल्दी से जितना भी खून की कमी होगा वो जल्दी से रिकवरी हो जाता है इससे। देखो कितना खून, इंसान का खून जैसा है वैसे ही है वो। किसी को अगर खून की कमी है तो ये मछली ज़रूर खा लेना आप लोग, ईल मछली, ईल पीस। उसको अभी अलग अलग पीस बनाएंगे। अरे बिहू आने वाला है बेटी, तुम क्यों अभी से शुरू कर रहे हो? 20 दिन पे बाकी है अभी। आज ईल पीस खाएंगे हम लोग, यहाँ तुम बहुत खुश हो क्या? हाँ। कौन लाया था आज को खरीद के बताऊँ? पापा। पापा ने लाया। पापा। किससे बनाएंगे इसको? मारी जाकर। अच्छा आलू, और ये जो खुशिया है हम लोग इस पत्ते के साथ खाएंगे, ये बहुत खुशबूदार है, ये देखो ये पत्ते के साथ खाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ओनताई बाजा, बहुत अच्छा खुशबू आता है। जो ये ईल मछली है खुशिया, जिससे खाने में बहुत टेस्टी है ये। पीस 33। ओके पूरा काट के कंप्लीट कर दिया पापा ने। कितना पीस बना? 32 पीस बनाया। ओके अभी मैंने थोड़ा सा वो पत्ते ओनताई बाजा जिसको बोलते हैं हम, इसको का तोड़ के ले आया, और साथ में आलू भी छिल रही है, आलू भी रेडी है। अभी थोड़ी देर में इसको बनाएंगे। ओके सेम मछली को जैसा फ्राई करता है तेल में ऐसा फ्राई करके रखेंगे अभी। उसके बाद सेम इसको प्याज और
जो नॉर्मल बाकी सब्जी को जैसे बनाते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल सब्जी बनाने का तरीका वही है, वैसे ही बनाएंगे। अभी सब्जी जो काट के रखा है उसको फ्राई करके इस तरह से अलग से प्लेट में रखेंगे। लगभग इसको 50-60% तक पका हुआ बनाना है इसको ना, गरम तेल के ऊपर। उसके बाद हम इसको पूरा निकालने के बाद तेल के अंदर, अभी पूरा फ्राई करके रख दिया। अभी हम शुरू करेंगे। यहाँ पे तेल, गरम तेल के ऊपर जीरा डाल दिया थोड़ा सा, साथ में हम डालेंगे प्याज, क्योंकि ऑलरेडी तेल गरम था, जिस तेल में हमने इसको फ्राई किया था तो उसी में हमने प्याज डाल दिया। ज़्यादा तेल का वेस्ट नहीं करना है, हमें कंजूसी भी करना पड़ेगा, काफ़ी महंगा हो रहा मार्केट में। चलो आलू डाल दो। अभी ओके, आलू डाल दिया। अभी थोड़ा आलू को पकाएंगे थोड़ा देर। थोड़ा नमक डाल दो ताकि जल्दी से जल्दी आलू नरम हो जाए। हल्दी भी डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें हल्दी डाल दो, थोड़ा सा मिक्स कर दो इसको। उसके बाद हम करते हैं, क्या है ये, धनिया पाउडर डाल दो, सब डाल दो अभी। ओके, फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो एक साथ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ओके ठीक हो गया, हो गया। इसे कलर के लिए दे दो इसको। ओके, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो थोड़ा सा। ऐसा ही पानी डालने के बाद, उबालने के बाद जल्दी से जल्दी वो आलू पक जाता है। आलू पकने के साथ साथ ये थोड़ा सा जो प्याज है वो भी गल जाएगा। थोड़ा देर और पका लेते हैं उसको। उसके बाद हम डालेंगे उसमें हमारा हरी पत्ते, चलो डाल दो अभी, साथ में ये भी पका लेते हैं। ओके, लगभग अभी आलू पकने वाला है, तो जैसे जैसे वो पक जाएगा वह हरी सब्जी वो भी पत्ते जो है वो भी पक जाएगा साथ में। ऑलरेडी हमने जो पीस है, तिल पीस, ऑलरेडी हमने पीस को पका के रख दिया था, क्योंकि इसमें अभी 10% बाकी है जो उसको पकने के लिए। जैसे वो हमारा आलू वगैरह जो पक जाएंगे उसके बाद डाल देंगे उसको, जिसमें आपने हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो देखो आप, कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है। वैसे मुझे आलू बहुत पसंद है, आलू बहुत खाता है मुझे, मैं आलू में एक्चुअली हमने ऐसे से ज़्यादा करता है तो प्रोटीन वगैरह थोड़ा सा मिल जाता है उसमें। आलू सोयाबीन वगैरह हमने खास करके मैं ज़्यादा खाता हूँ, और जो लोग मोटे हैं वो ज़्यादा नहीं खाना आलू वगैरह, ठीक है ना। मिनिमम खाना खाना है और एक्सरसाइज करना है आपने। ओके, अभी आलू को टेस्ट देखते हैं पकने वाला है क्या। ओके, अभी भी कोई कोई बहुत हार्ड है, थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा देर और पकाना पड़ेगा उसको। कन हटाइयो भैया, बीवी को भैया बोल रहे। वाह, क्या खुशबू आ रहा है बाबू, मज़ा आ गया। वाह वाह वाह, ओके। इसको अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी इसमें जो मछली है, ईल मछली, उसको डालने के बाद ही डालेंगे, ताकि मसाला वो मछली में भी जो सामान घुस जाए पूरा मिक्स हो जाएगा ना, तो इसमें मीट में पूरा लग जाएगा, खाने में और भी टेस्टी होगा। ओके ठीक है, डाल दो अभी ईल मछली पूरा, अच्छा डाल दो। यस, वाह, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी। उसके बाद मिक्स होने के बाद थोड़ा सा और पानी डाल दो।
वेरी गुड। ओके पानी मत डालना अभी, चलो साथ में मसाला भी डाल दो। इस मसाला में है लौंग, इलायची, दालचीनी, लहसुन वगैरह सब मिक्स है इसमें। ओके इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी ये जितना भी मसाले हैं ना वो मीट पीस और आलू के अंदर समा जाएगा और भी स्वादिष्ट होगा खाने में। ओके अभी ढक के रख देते हैं। हमारा बिल्ली भी खुशबू सूंघ के देखो रोने लग गया। खाना है आपको, मिलेगा बेटे, मिल जाएगा आपको खाने के लिए बेटे, ठीक है। अभी पकने वाला है थोड़ा देर और कुछ समय के लिए, और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पकने के बाद खा लेंगे। ओके दोस्तों फिर दोबारा से डाल लेते हैं उसको, फिर लास्ट है। अभी शायद पक गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया आपको पकाते हुए। हाँ बहुत टेस्टी, यम्मी, बहुत अच्छा बना दिया है बेटी, तुम भी खाओगे ना इल मछली। खुशिया खुशिया खाओगे बेटी? ओके फिर डाल देते हैं। अभी खाती गया बिल्कुल। काफ़ी कलर भी बहुत अच्छे देखने लग गया। अभी पक गया पूरा आलू भी पक गया। अभी इसमें से थोड़ा सा धनिया काट के रखा हुआ हमें, उसको डाल देते हैं। डाल लिया और भी खुशबू और भी अच्छा आने लग गया अभी। ओके इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, मिक्स करने के बाद पक गया। अभी मैं इसको खा लेते हैं किस तरह से। मेरे को पीछे से ज़्यादा आलू पसंद है। गिर गया गिर गया बाबू। एक दो पीस और डाल दे, बड़ा वाला पीस डाल दे बस, और एक पीस डाल दो, आलू दे दो दो, और एक, यस बस। अभी इसको खा लेता हूँ। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रही है ना, मैं बोलता हूँ जिसका खून कमी है ना वो पका ये पीस खाना चाहिए आपको। अभी खा लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा बनाया मैंने, देखता हूँ अभी। वाओ काफ़ी टेस्टी है, साथ आलू भी खा लेता हूँ। काफ़ी बढ़िया बनाया। ओके दोस्तों अगर आप भी खाना है तो ले लो साथ में, प्लेट से निकाल के उठा लो। ओके दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नया कोई भी वीडियो डालेगा आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ओके दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।